पहले तो ऑन आपको इस इधर तक पहुंचने के लिए मुबारक देता हूं, सनी आपको, क्योंकि आपने पूरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया इसका, और नसीम आपको इसलिए कि आगे मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं कि आपने ओवरसी करना है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं ये मेंटेन करने हैं। अब देखें, मैं आपको सिर्फ जो अपनी फिलॉसफी बताना चाहता हूँ, एक कौम की पहचान ये नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं, कौम की पहचान होती है कि वो अपने कमज़ोर तबके को, अपने गरीब तबके को, उसको कैसे रखता है। ये एक सिविलाइज्ड नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं होता कि बड़े अमीर अमीर हो जाए, बड़े बड़े घरों में, कैसे एक कौम अपने बीमारों को, अपने माजूरों को, अपने गरीबों को कैसे रखती है। ये इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ये खौफ आना शुरू हो गया कि हम अपने गरीबों को, क्योंकि गरीब लोग आते हैं, अब गरीब लोग आएंगे वो बेचारे तो खुश हो जाएंगे, अगर भूखा आदमी है उसे खाना मिल गया तो वो तो चुप करके खाना खा के चला जाएगा, लेकिन मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि हम आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक शुरू में एक जज्बा था और फिर हम उसी तरह इनको करेंगे गरीब लोगों को, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गरीबों के वार्ड का एक हाल होता है और VIP का दूसरा होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस और जो हमारा इरादा था जब शौकत खानम बना, तो उसकी फिलॉसफी ये थी कि हम अक्सरियत गरीबों का इलाज करेंगे 70% से ज़्यादा, लेकिन हॉस्पिटल अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करेगा। और मेरा ये अल्लाह में ईमान है कि उसी की वजह से आज तक वो इतना बड़ा इदारा बन गया, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल कैंसर का इलाज इतने ज़्यादा मरीजों का करे। यही मेरा पाकिस्तान के लिए कॉन्सेप्ट है, जब हम अपने गरीब आदमी को डिग्निटी देंगे, उसका हम बुनियादी ज़रूरियात का ध्यान रखेंगे, जिस तरह हमने हेल्थ कार्ड, इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में गरीब आदमी के पास हेल्थ कार्ड होगा कि कम अज़ कम अगर उसके मुश्किल वक्त आता है तो उसके पास वो एक इंश्योरेंस हो कि उसके अपने घर में अपने बच्चों का इलाज करवा सके। उसी तरह ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सर्दियों के अंदर यहाँ बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े होते हैं, और ये आपसे नहीं, बड़ी देर से हम देख रहे थे, जब भी जाते थे लाहौर के अंदर तो दादा साहब के बाहर वहाँ सारे फुटपाथ के ऊपर वो ट्रक भी आ रहे हैं, धुआं मिट्टी, वहाँ लोग बेचारे लेटे होते थे। तो मेरी जो सोच वो ये है कि ये आपने जो आज मॉडल बनाया है ये रेप्लिकेट होगा सारी जगह, और इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने इनको डिग्निटी देनी है लोगों को, और ये जो आपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, ये सबसे मुझे आज खुशी हुई है। मैं देख रहा हूँ अभी भी कि आपका जो स्टाफ है उनको आपने सही कपड़े बनाए हैं, वो ये ना समझे कि वो बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं इनके ऊपर, वो इसको एक सर्विस समझे। और जिस तरह के शौकत खाना में हमें ट्रेन करना पड़ा उनको, शुरू में वो देखते थे गरीब लोग आ रहे हैं तो वो उस तरह करते नहीं थे, एंड में डॉक्टर फैसल और इनकी टीम ने बाकायदा उनकी बाकायदा क्लासेस करवाई कि कैसे उन्होंने गरीब आदमी का ध्यान रखना है, और जो आज माशाल्लाह बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। उसी तरह ये जो आज आपने मॉडल बनाया है ये आपने पूरी तरह मॉनिटर करना है, आई होप कि यहाँ कैमराज, मैंने कहा था CCTV कैमराज लगे हों ताकि एक जगह से आप देख सकते हैं कि खाना उनको सही मिल रहा है, लोग आ रहे हैं उनकी, ये नहीं कि उनकी चादरें गंदी हो, उसल खाने गंदे, उनको डिग्निटी से हमने रखना है, और ये हमने इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में रेप्लिकेट करना है। मैं जो अपने पाकिस्तानियों को जानता हूँ, जब वो देखेंगे कि क्वालिटी की आप एक इदारा चल रहा है, क्वालिटी, पाकिस्तानी हमेशा क्वालिटी को बैक करते हैं, जब आप क्वालिटी देखेंगे ना, लोग कभी भी जब देखेंगे कि वहाँ गंद पड़ा हुआ है को कभी कोई पैसे नहीं देगा। मेरा ये मान ये है कि गवर्नमेंट का इवेंचुअली थोड़ा सा पैसा लगेगा, जो हमारा इस मुल्क में सबसे खुले दिल के लोग हैं, आप देखेंगे कि खुद ही लोग अडॉप्ट करेंगे ये पनागाज, तो स्टैंडर्ड्स आप देंगे, अडॉप्ट कोई और करेगा, फाइनेंस कोई और करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ से हो ताकि जिधर भी पाकिस्तान में बने उनकी एक ही स्टैंडर्ड हो। और आखिर में फिर से, और स्टैंडर्ड ये होगी कि ये कोई हम इनके ऊपर फेवर नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये हमारे लोग हैं और ये अगर मुश्किल वक्त में तो हमारा काम है। तो एनीवे, फिर से बहुत मुबारक हो आपको।